अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सब की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप सब लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप सबको बता दूं, मेरा नाम शहनाज तंजीला है, किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट। इस चैनल पर मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिसीज, आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, कुकिंग वीडियोज, DIY रेमिडीज, शॉपिंग व्लॉग्स, ट्रैवलिंग व्लॉग्स, सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा ऑपरेशन को कितने इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। और मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मेरी शादी हुई है या नहीं, और किडनी ट्रांसप्लांट के पहले हुई है या फिर बाद में हुई है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि मेरी शादी हुई है या नहीं। अगर प्लीज़ आप लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। आप सबको बता दूं मेरी शादी हुई है या नहीं। हाँ बिल्कुल, मेरी शादी हुई है, लेकिन मेरी शादी ट्रांसप्लांट के पहले नहीं हुई थी, मेरी शादी ट्रांसप्लांट के बाद में हुई है। मेरी शादी को 3.5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और माशाल्लाह से मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं। और मेरी किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सब कुछ पता था उन्हें कि मेरी शादी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में हुई थी। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट 2012 में हुआ था और मेरी शादी 2018 दिसंबर में हुई थी। और डॉक्टर ने भी कहा था किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अगर शादी करनी है तो वो लड़के को हर एक बात पता होनी चाहिए और छिपाकर तो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहिए, हर एक बात जो हमसे जुड़ी है वो सब कुछ जानना चाहिए। और माशाल्लाह से मेरे शौहर मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। और शादी के पहले जैसे मेरी अम्मी मेरा ख्याल रखती थी, उसी तरह मेरे शौहर भी मेरा ख्याल रखते हैं। मेरे शौहर मुझसे ज़्यादा ख्याल मेरा रखते हैं और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे इन जैसे हस्बैंड मिले। मुझे मैं बहुत ज़्यादा किस्मत वाली हूँ। ऊपर वाले ने मेरे शौहर को एक फरिश्ता बनाकर भेजा है। माशाल्लाह से मैं मेरे शौहर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। प्लीज़ मेरे लिए दुआएं कीजिए, जैसे मैं खुश हूँ आगे भी उसी तरह मैं खुश रहूँ। अल्लाह ताला मुझे ऐसी ही खुशियाँ देते रहें। प्लीज़ आप सब लोग मुझे दुआ कीजिए। और जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ है और जो लोग ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं, वो लोग प्लीज़ डरिए मत। आप लोग ऑपरेशन के बाद आगे बढ़ सकते हैं, शादी कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आराम से जी सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ख्याल रखना होगा कि आप लोगों को कैसे रहना है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी, किस तरह रहना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि मेरे अपने 10 साल कैसे गुजारे हैं, हमें किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमें लाइफस्टाइल कैसे चेंज करनी है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आप सब लोग नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। अगली वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, मेरे लाइफस्टाइल के बारे में लेकर आऊँगी और मैं अपने डेली रूटीन के बारे में बताना चाहूँगी इंशाल्लाह। जो मैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरी वजह से दूसरे लोगों को हेल्प होगी, जो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। इसलिए मैं सब लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ कि मेरे टैबलेट्स मैंने कैसे लिए, कौन से खाए, कितने अमाउंट में हुए थे, सब कुछ बताना चाहूँगी। बाहर की किडनी हमारे लिए सेफ़ है या फिर फैमिली वालों की किडनी हमारे लिए सेफ़ है, ये सब कुछ मैं बताना चाहूँगी। जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी शादी को 3.5 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मेरी शादी बहुत ही अच्छी तरीके से हुई थी। इंशाल्लाह मैं थोड़े थोड़े वीडियोस करके अपलोड करूँगी आप सब के लिए, ताकि आप सब लोग देख सको और इंस्पायर हो सको कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कोई भी पीछे नहीं रहता, सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं और अल्लाह ताला ने चाहा तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ कीजिए कि आप लोगों की लाइफ भी बेहतर हो सके। अल्लाह ताला जो कुछ भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं, और हम लोग ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बीमारी क्यों दी, क्यों इतनी बड़ी बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं, कि अल्लाह ताला से कुछ भी नहीं कहना चाहिए हमें, और कहकर अल्लाह ताला को नाराज़ भी नहीं करना चाहिए। और अल्लाह ताला जो भी करते हैं हमारी बेहतरी के लिए करते हैं और हमारी भलाई होती है उसमें। अब टेंशन मत लीजिए, अल्लाह ताला हमें प्रॉब्लम देने से पहले ही उसका सलूशन लिख देते हैं। तो आप प्लीज़ घबराइए मत, प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, आप हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत से ट्रांसप्लांट के लिए हाँ कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है और डायलिसिस करवाने की, डायलिसिस करवाते करवाते इंसान बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, इंसान के बॉडी के पार्ट्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो प्लीज़ डायलिसिस के बारे में भूल ही जाइए, बहुत जल्दी जितना भी जल्दी हो सके ट्रांसप्लांट के बारे में सोचिए और ट्रांसप्लांट करवाइए।
और मेरी लाइफ के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बातें हैं आप सबके सामने कहने के लिए। इंशाल्लाह मैं डेली वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप सब लोगों का साथ चाहिए मुझे। अगर आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे तो इंशाल्लाह मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँगी, और इंशाल्लाह मैं मेरे हस्बैंड को भी मीट करवाऊँगी आप लोगों के साथ। मेरे हस्बैंड कौन है, इंशाल्लाह ज़रूर मिलवाऊँगी। और मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग है, बहुत सपोर्टिव है, मैं उनकी जितनी भी तारीफ़ करूँ बहुत ज़्यादा कम है। प्लीज़ आप सब लोग मेरे और मेरे शौहर के लिए दुआ कीजिए, हम दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहें। मैं इस चैनल पर कुकिंग वीडियो सब कुछ अपलोड कर रही हूँ, प्लीज़ उस वीडियोस को भी जाकर देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। और मुझे आप सब लोगों का प्यार चाहिए, प्लीज़ सबको शेयर कीजिए। हाँ, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।